तो दोस्तों फिर से तैयार हो जाइए जानने के लिए कुछ अमेजिंग स्लैशर मूवीज के बारे में। इनके अलावा मैंने और भी बहुत सारे स्लैशर मूवीज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए फिर से जानते हैं कुछ अनोखे स्लैशर मूवीज के बारे में जो कि कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, द वर्ल्ड ऑफ किलिंग पीपल। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे रिजॉर्ट से जहां पर 5 दोस्त छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर अचानक से ही एक सीरियल किलर उन सभी दोस्तों को मारना शुरू कर देता है और लास्ट तक उस रिजॉर्ट से कौन सर्वाइव करके बाहर आता है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी रिलीज की गई है 2022 में। मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.5। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं रोको ओरिजिनल पर। नंबर 9, फाउंडर्स डे। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई थी 2023 में। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से जहां पर अचानक से ही एक सीरियल किलर जो कि शहर के सभी लोगों को मार रहा होता है, लेकिन असल में वो शहर के लोगों को क्यों मार रहा होता है, इवन लास्ट तक वो कितने सारे मर्डर करता है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेट का जुगाड़ आपको ये मूवी दिखा सकता है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.6। नंबर 8, द सैक्रिफाइस गेम। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई है 2023 में। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे साइकोपैथ से जो कि अपने ही घर के बहुत सारे लोगों को बंदी बना लेता है और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है सिर्फ भगवान के नाम पर, और लास्ट तक वो कितने सारे मर्डर करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.5 और मूवी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल नहीं है। नंबर सेवन, देयर्स समथिंग इन द ब्रांड। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों क्रिसमस का त्यौहार चल रहा होता है और सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा भी सीरियल किलर है जो कि क्रिसमस के दिन लोगों को मारना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और लास्ट तक उसके हाथ से कौन कौन सर्वाइव करता है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी रिलीज की गई है 2023 में। मूवी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.5। मूवी हिंदी में भी अवेलेबल नहीं है। नंबर 6, टेलगेट। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैमिली से जो कि ट्रैवल कर अपनी मॉम के घर जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही उनका पीछा एक खतरनाक आदमी करना शुरू कर देता है और लास्ट तक ये फैमिली उसके हाथ से किस तरह अपने आप को सर्वाइव करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है 2019 में। मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है और इस मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इस IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। नंबर 5, कॉटेज कंट्री। मूवी बेस्ड है कॉमेडी एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई थी 2013 में। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे कॉटेज से जहां पर गेस्ट तो जाते हैं लेकिन वो जिंदा वापस नहीं आते हैं और असल में ये सभी गेस्ट कहां जाते हैं और किस तरह मारे जाते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेट का जुगाड़ आपको इस मूवी को भी फ्री में दिखा सकता है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.6। मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। नंबर 4, बेबी सिटर। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। नंबर 4, द बेबी सिटर। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई थी 2010 में। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे बेबी सिटर से जिसे घर में बेबी सिटिंग के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अचानक से ही उसी घर में उसे कोई मार देना चाहता है और लास्ट तक ये बेबी सिटर अपनी जान उस सीरियल किलर से किस तरह बचाती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 4, रोड किल। मूवी रिलीज की गई थी 2004 में। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है कैथिन से जो कि ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन ट्रैवल करते करते वो बहुत सारे लोगों को मारते हुए चली जा रही होती है और असल में वो लोगों को क्यों मार रही होती है, इवन लास्ट तक उसका अंजाम क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं मूवी ओरिजिनल पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2।
नंबर टू रोड ट्रेन मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे दोस्तों से जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच अचानक से ही एक ट्रक उनके पीछे पड़ जाता है क्योंकि वो ट्रक उन्हें मार देना चाहता है। और लास्ट तक वो सभी दोस्त अपने आप को उस ट्रकर के हाथ से किस तरह बचाते हैं इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी रिलीज की गई थी 2010 में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, इवन टूबी ओरिजिनल पर। इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.7। नंबर वन सोलमेट मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे खतरनाक गेम से जिसे आपको एक स्ट्रेंजर के साथ खेलना होता है, यानी कि एक खतरनाक टास्क को आप दोनों को मिलकर ही कंप्लीट करना होता है। लेकिन इस टास्क को अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपकी मौत हो जाएगी। कुछ ऐसे ही अनोखे कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसे बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी जाएगी। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। मूवी सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।